एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टीवी के इतिहास के इकलौते ज्योतिषीय समाचार बुलेटिन एस्ट्रो न्यूज में। आज भूपेश बघेल के विषय में ज्योतिषीय आकलन का परिचय कराएंगे, बताएंगे कि आगामी छत्तीसगढ़ का चुनाव क्या इनके कंधों पर इनके सितारे जिताने का मादा रखते हैं या नहीं। आज से एक और बहुत बड़ी मुहिम एस्ट्रो न्यूज के माध्यम से आपको बताएंगे एस्ट्रो मिथ में। एस्ट्रो मिथ में आज चर्चा होगी मांगलिक दोष के बारे में। क्या मांगलिक दोष अगर किसी की कुंडली में है और किसी में नहीं है तो किसी एक की मृत्यु हो जाती है? ये क्या अंधविश्वास है या कपोल कल्पित है, इस रहस्य से हम पर्दा उठाने वाले हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका देश के इकलौते ज्योतिषीय समाचार बुलेटिन एस्ट्रो न्यूज में। आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, जिसका आपकी राशि पर व्यक्तिगत तौर पर कितना असर पड़ेगा, पूरी जानकारी कार्यक्रम के ही दौरान आप तक पहुंचने वाली है और भाग्याक्षर भी आपके लिए रहेगा। लेकिन अभी वक्त हो चला है जानने का आज का एस्ट्रो हेडलाइंस। आज लगेगा वर्ष का अंतिम ग्रस्तोदय खग्रास चंद्र ग्रहण। आज श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है। चंद्रमा के मेष में रहने से बनेगा ग्रहण दोष। शाम 4:31 पर ही हो जाएगा पूर्णिमा तिथि की समाप्ति। चंद्रमा के भरणी नक्षत्र में होने से रहेगा आज शुक्र का प्रभाव। आइए अब जानते हैं हेडलाइंस विस्तार से। आज इस वर्ष का 2022 का अंतिम ग्रस्तोदय खग्रास चंद्र ग्रहण है। आज चंद्रमा को राहु के द्वारा ग्रसित होने की प्रक्रिया रहेगी। इस खगोलीय घटना का हम सब की राशि पर पूरा असर पड़ता है। आपकी चंद्र राशि पर क्या असर पड़ेगा, आगे हम राशि समाचार में इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। आज श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है। इस दिन प्रकाश पर्व के रूप में गुरुद्वारों में विशेष पूजन अर्चन का वंदन किया जाता है। हमें अपने गुरुओं का ध्यान करके उनके चरणों में अपना सर कृतज्ञता पूर्वक झुकाना हमारी संस्कृति और पद्धति का द्योतक रहेगा। चंद्रमा के मेष राशि में रहने के कारण आज ग्रहण दोष का पर्याय बनेगा। आज का ग्रहण दोष चंद्र ग्रहण के नाम से रहेगा, जो संध्या वेला में लगने वाला है। इस कारण से हम सबके सोच और विचारों में तमाम तरह के दोष आ सकते हैं, बताएंगे इसका असर आज के राशि समाचार में। शाम 4:31 पे पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा, इसके बाद मृगशीर्ष माह का शुभारंभ रहेगा। चंद्रमा के भरणी नक्षत्र में होने से आज शुक्र का प्रभाव महादशानाथ के रूप में आपकी राशि पर प्रभावी रहेगा। यह बड़ी बात होती है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके स्वामी के अनुसार हमारा सोच, हमारे विचार और हमारे भाग्य का फल निर्धारित होता है। कार्तिक पूर्णिमा आज तिथि रहेगी। चंद्रमा आज मेष राशि में, नक्षत्र रहेगा भरणी, योग रहेगा व्यतिपात। आज का राहुकाल का समय नोट कर लीजिएगा, 2:03 से 4:30 तक। यह अशुभ समय होता है जब आप कोई नया और शुभ काम न करें। लेकिन गोली काल का समय रहेगा 12:12 से 1:30 तक। ये वो समय है जब आप कुछ भी नया और बड़ा कर सकते हैं। तदनुसार दिनांक 8 नवंबर दिन मंगलवार, 8 का अंक होता है शनिदेव का और मंगल का अंश और शनि का अंश आज बना रहेगा, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है मंगल के होरा में। होरा कहते हैं जिस घंटे सूर्योदय के बाद पहला वार होता है उस वारेश को, अर्थात पूरे दिन मंगल का प्रभाव रहेगा। चर्चा करेंगे आगे आज लगने वाले ग्रहण का आपकी राशि पर असर क्या पड़ेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। आज का ग्रहण आप पर विशेष असर डालने वाला है। आज का दिन आपके लिए संभव हो सकता है कि मस्तिष्क में कुछ कुविचार आ जाएं, क्योंकि ग्रहण का तात्कालिक प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। ठीक 7वें भाव से आप पर प्रभाव आपकी सोच और आपके विचार को प्रभावित करके करेगा। आज उपाय के तौर पर किसी जरूरतमंद को कुछ खाने पीने की वस्तु देना शुभ होगा। आज ग्रहण का असर वृषभ राशि वालों पर पूरी तरह से पड़ने जा रहा है, क्योंकि उस दौरान चंद्रमा भरणी नक्षत्र में रहेगा, जिसका स्वामी शुक्र आपकी राशि का स्वामी है। थोड़ा बहुत खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, अचानक अपयश के शिकार हो सकते हैं। अटेंटिव रहिएगा और हर प्रकार के दोष से खुद को बचाइएगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव मिथुन राशि पर आज कुविचारों के साथ दिखाई देगा, अनावश्यक अपव्यय रहेगा, नौकरी में नोकझोंक की संभावना बनेगी
और कुछ अप्रिय समाचार मिल सकते हैं, लेकिन उपाय जरूर करिएगा। बात कर्क राशि की। आज चंद्र ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा आप पर है, क्योंकि आपकी राशि का ही स्वामी चंद्रमा है। अतः आप पर पूरी तरह से इसका प्रभाव शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह से पड़ेगा। आने वाले 15 दिन कर्क वालों के लिए थोड़े बहुत हर क्षेत्र में भारी पड़ सकते हैं। आपके ऊपर आपकी मां के साथ किसी तरह की दिक्कतें, अर्थात कर्क राशि चंद्रमा मां का नैसर्गिक कारक होता है, उनके स्वास्थ्य हानि की संभावना बढ़ती है, तो आप सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। टाइम से खाना पीना, अनुशासित जीवन जीना बहुत जरूरी है, जिससे ग्रहण के दोष को आप कम कर सके। चंद्र ग्रहण का प्रभाव सिंह राशि वालों पर द्वादश भाव से रहेगा। चंद्रमा 12वें के ही स्वामी है। वर्तमान स्थिति में चंद्र ग्रहण आपके कुछ गलत फैसले व्यापारिक क्षेत्र में दर्शाता है। वाहन चलाने के दौरान लापरवाही बरतने पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधान रहिएगा और चंद्रमा की उपासना करते रहिएगा, शिव की उपासना करते रहिएगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव कन्या राशि पर खास तौर पर कर्म क्षेत्र से पड़ने वाला है, अर्थात कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आ सकती हैं। अकस्मात राहु का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में इधर उधर षड्यंत्रों का शिकार बना सकता है। ध्यान दीजिएगा अपने आप पर और अपने काम पर। तुला राशि वालों के ऊपर चंद्र ग्रहण का प्रभाव खास तौर पर पारिवारिक जीवन पर पड़ता हुआ दिखता है। एक दूसरे से आपसी वैचारिक मतभेद उभर कर बाहर आ सकते हैं। अगर आपकी राशि तुला है तो यह चंद्र ग्रहण आपको पारिवारिक दृष्टिकोण से सावधान रहने की हिदायत देता है। चर्चा वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। ग्रहण का असर आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगा, जिसका असर यात्रा के दौरान देखने को मिल सकता है। यात्रा के दौरान मूल्यवान वस्तु की चोरी होने की आशंका बढ़ती है। कुछ विवादास्पद स्थिति आ सकती है। लगेगा बात बड़ी छोटी है, लेकिन बड़ी हो गई, तो ऐसे में आपको अपने आप पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सोच समझ करके वाणी का इस्तेमाल करें, जिससे आपका दिन बेहतर हो सके और ग्रहण का दोष कम हो सके। ग्रहण का प्रभाव धनु राशि पर स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा दिखाई देता है। चंद्रमा यहीं के स्वामी है, अष्टमेश है, लिहाजा अकस्मात कुछ बीमारी उभर के आ सकती है, तो बचना कैसे है? आपको किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। तुरंत अपना मेडिकल चेकअप कराएं, जिससे आप किसी गंभीर दोष से बच सके, गंभीर बीमारी से बच सके। अगर आपकी राशि मकर है तो ग्रहण का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रहा है, अर्थात पत्नी के साथ विचारों में कुछ ऊंच नीच संभव है, तो आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करिएगा। सप्तमेश है चंद्रमा आपकी, जितना एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करेंगे, उतना ही ग्रहण के दोष को कम कर पाएंगे। चर्चा कुंभ राशि की, लेकिन रुकिएगा, अभी जाइएगा मत, क्योंकि एस्ट्रोमिथ आज एक नई जानकारी आप तक हम लेकर आए हैं, जिसमें चर्चा मांगलिक योग के बारे में। अब देखिए खेल यही है, मांगलिक योग या मांगलिक दोष, सोचते रहिएगा। बात कुंभ राशि की करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं राशि समाचार में कुंभ राशि की। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके गुप्त शत्रुओं के रूप में दिखेगा। आपको लगेगा अचानक जैसे कुछ गुप्त दुश्मन पनप रहे हैं, आंतरिक रूप से परेशान रहेंगे, अंदर से उलझन सी महसूस होगी। ये ग्रहण का प्रभाव है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आपको किसी जरूरतमंद को आज अनाज का दान करना चाहिए। ग्रहण का प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन पर सबसे ज्यादा है। व्यक्तिगत जीवन जहां फीलिंग्स मैटर करती हैं, पत्नी के साथ, पति के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव की संभावना ग्रहण के कारण पड़ सकता है। प्रयोग शिव उपासना अनिवार्य है, जितना करेंगे उतना ही आपको बेहतर फील होगा। चर्चा करेंगे आगे एस्ट्रो लव टिप की।
दो लौंग पर काजल लगाकर किसी पौधे के नीचे रख देना है और इसी दौरान अपने प्रिय का ध्यान करना है। लौंग राहु और शनि के साथ शुक्र का प्रभाव अपने अंदर रखता है और जब इसमें हम काजल लगाते हैं तो शनि का भी एक सकारात्मक वाला परिणाम यहाँ मिल जाता है, क्योंकि शनि दोनों रूप में फल देते हैं, कभी बुरे तो कभी अच्छे। अच्छा काजल के रूप में है, क्योंकि काजल इसको सुरमा भी कहते हैं, इसमें औषधीय गुण रहता है, तो काजल वाले शनि में बृहस्पति आ जाते हैं, औषधीय गुण के कारण सूर्य आ जाते हैं, और जब इतने सकारात्मक प्रभाव वाले ग्रह रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम अच्छा निकल कर आएगा। आपका रिश्ता अपने प्रिय के साथ शुभ स्थिति में बना रहेगा। आइए अब जानेंगे आज का मुद्दा गरम है। तो आज का गरम मुद्दा है चंद्र ग्रहण। जी हाँ, आज के एस्ट्रो न्यूज में जो हमने मुद्दा उठाया है वो चंद्र ग्रहण का उठाया है। आज इस पर आप लगातार बड़ी कवरेज भी देखते रहेंगे। आज ग्रहों में खगोलीय घटना चंद्रमा के साथ घटने जा रही है। जी हाँ, आज चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा। राहु का ग्रसित करना चंद्र ग्रहण का प्रभाव दिखाएगा। आपकी हर राशि पर इसका असर हमने बताया किस किस तरह से है। कहीं अगर पारिवारिक है तो वहीं कहीं पर कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव है। कहीं विचार आपके प्रभावित हो रहे हैं तो कहीं कोर्ट कचहरी की स्थिति बना रहा है। चंद्रमा नैसर्गिक रूप से हमारे मन का, हमारे मस्तिष्क का, हमारे विचारों का कारक होता है। चंद्रमा सुख का कारक होता है। हमें दुख किस किस तरह से मिल सकता है? निश्चित तौर पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, यही जगहें हैं जहां से हम दुखी होते हैं और इन्हीं जगहों से हम प्रसन्न भी होते हैं। तो आज ग्रहण लग रहा है। कहावत ही है कि आपके जीवन में ग्रहण लगा है क्या, अर्थात यह शुभ स्थिति तो नहीं है। बस फर्क है इसके फल का आपकी कुंडली में उपस्थित चंद्रमा के आधार पर, आपके नाम के अनुसार के चंद्र राशि के आधार पर। तो आज का दिन जो हमने उपाय बताया है अपने राशि समाचार में, उसको जरूर देख लीजिएगा। उस उपाय को करने से आप इस ग्रहण के दोष से कुछ हद तक शांति जरूर पाएंगे। किसी जरूरतमंद को रोटी का दान करें या फिर भोजन करा दीजिए। आपका ये छोटा सा किया गया उपाय, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट आपको हर तरह से पूरे दिन भाग्यशाली बनाता है। चर्चा अब आपके आज के दिव्य छोटे से प्रयोग की, लकी अक्षर की। मेष राशि, प अक्षर वृषभ का मिथुन, व अक्षर कर्क धा सिंह, भ अक्षर कन्या ज तुला, प अक्षर वृश्चिक रा धनु, ना अक्षर मकर मा कुंभ, डा अक्षर मीन च। ये छोटे से भाग्य अक्षर, आपके लकी अक्षर, जिन्हें आप एक सादे चौकोर कागज पर लाल रंग के इंक वाली कलम से लिखते हैं और अपने पास रखते हैं। आज से एक नई जानकारी हम आपको एस्ट्रो न्यूज में बताएंगे। आपका अगर आज का जन्मदिन है तो आपके लिए पूरा वर्ष कैसा रहेगा, जानते हैं आयुष्मान भव। आयुष्मान भव में आज हम बताएंगे दिनांक 8 नवंबर को पैदा हुए लोगों का पूरा वर्ष कैसा बीतेगा, कैसे आपके ग्रह आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। शिक्षा क्षेत्र हो, व्यापार क्षेत्र हो, दाम्पत्य जीवन हो, हर जानकारी हम आपको देंगे और आपको सबसे आगे रखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, बताते हैं सबसे पहले शिक्षा के बारे में। तुला लग्न में सूर्योदय होने के कारण और चंद्रमा पर आज ग्रहण लगने के कारण शिक्षा आपकी प्रभावित होगी। मस्तिष्क आपका एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। व्यापारिक क्षेत्र से देखा जाए तो आपके लिए अवसर थोड़े बहुत मिलेंगे उत्तरार्ध में, अर्थात शुरुआत में, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। इसके बाद की स्थिति थोड़ी संघर्ष वाली रहेगी। व्यापार में अगर आप साझा कर रहे हैं, अर्थात पार्टनरशिप में आपका व्यापार है, तो प्रभाव कुछ ज़्यादा पड़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर की चर्चा करें तो नए कीर्तिमान स्थापित हो सकते हैं, विदेश के लिए प्रयास कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं तो शुरुआती समय जनवरी फरवरी तक का थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन उसके बाद प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है। आपसी तालमेल की स्थिति अच्छी रहेगी। दाम्पत्य जीवन की चर्चा करें तो थोड़ा बहुत उठा पटक होगा शुरुआती समय, 1-2 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से वहां पर भी सुखद आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिलेंगे। लव लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन मीनवाइल आप विवाह की चर्चा भी कर सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर
और नवंबर 2023 आते आते परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी जब चंद्रमा और शनि अपना प्रभाव आपके जीवन में दिखाएंगे। चर्चा करें अगर हम कुछ खास प्रयोग की तो पूरे वर्ष आपको शिव आराधना करना चाहिए, शिव की उपासना करनी चाहिए और जितना हो सके उनके पूजन में अपने आप को लगाना चाहिए। इससे न केवल राहु शांत होगा बल्कि शनि का भी पूरा सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। न्यूज में अब वक्त हो चला है जानने का एस्ट्रो मिथ। एस्ट्रो मिथ एक ऐसा जगह जहां पर हम आपके आंखों से पर्दा उठाते हैं। ये जानकारी शायद ही कहीं आपको मिलेगी। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो आप अब तक सुनकर मानने के लिए विवश होते आए हैं आखिर उसमें सच्चाई कितनी है। वी आर इन वाई जनरेशन, हमें हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ तर्क चाहिए और वो तर्क आपको हम यहां पर देंगे एस्ट्रो मिथ में। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले मांगलिक योग के बारे में। ध्यान दीजिएगा, मैंने मांगलिक दोष नहीं कहा, मांगलिक योग कहा है। यह एक प्रकार का योग मात्र है। मिथ क्या है कि मांगलिक की शादी अगर मांगलिक से नहीं होगी तो उनके जीवन में भूकंप आ जाएगा और वो भी 8 से अधिक रिएक्टर स्केल वाला। ये मिथ है, ट्रस्ट मी, ये मिथ है। देखिए, मंगल योग जिसे तथाकथित दोष कहा जाता है, ये 5 जगह मंगल के बैठने से होता है। जैसे लग्न में मंगल बैठ गया, जैसे चतुर्थ में मंगल बैठ गया, जैसे सप्तम में मंगल बैठ गया और जैसे अष्टम का मंगल अचानक, अरे बाप रे, भूकंप आ गया। 12वें का मंगल तो ऐसे जैसे लगता है कि क्या है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये हमारे हाथ की चीज नहीं है, ये प्राकृतिक देन है और जो अपने हाथ में नहीं है उसको दोष कैसे कहा जा सकता है? क्या वो परम सत्ता हमें दोषी करके पैदा करेगा? क्यों भैया, ऐसा कौन सा गुनाह मां के गर्भ में रहते हमने कर दिया कि हम मंगल दोष लेकर के आ गए? मित्रों निश्चित तौर पर यह मिथ है। मांगलिक की शादी अगर लग्न का मंगल है तो व्यक्ति थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए। 4वें का मंगल है तो मकान वगैरह के लिए शादी के बाद झंझट बढ़ सकता है, बट अगर वहां मंगल मेष का है, मकर का है अर्थात सुग्रही या उच्च का है या फिर वृश्चिक का है तो बाप रे बाप, शादी होते ही 8-10 घर दिला सकता है। हाँ देख लीजिएगा आप। 7वें का मंगल है तो ये थोड़ा सा दोषपूर्ण होता है क्योंकि इसकी अष्टम दृष्टि द्वितीय पे पड़ती है। इस पर कभी फिर हम चर्चा करेंगे, ये कोई नया शोध हमने किया उसके बारे में बताएंगे। अष्टम का मंगल, इसकी भी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, ये भी थोड़ा सा दोषपूर्ण होता है। तो अब 5 में से 2 थोड़ा बहुत दोषपूर्ण है लेकिन मांगलिक दोष नहीं है, ये मांगलिक योग है। सिर्फ ये 2 जगह के मंगल द्वितीय भाव पर पूर्ण सप्तम और अष्टम दृष्टि डालने के कारण थोड़े से दोषपूर्ण होते हैं। 12वें का मंगल, कोई दोष वहां पर भी नहीं है, मिथ है। तो अब लब्बो लुआब ये निकलता है कि पहली चीज तो पूरी तरह से मांगलिक दोष नहीं होता, मांगलिक योग होता है। और मंगल दोष मानकर हम बहुत सारे अच्छे और प्यारे प्यारे रिश्ते खो देते हैं। आज के एस्ट्रो मिथ में इतना ही, कल इस पर एक और मिथ से हम रहस्य से पर्दा उठाएंगे, देखते रहिएगा। आइए अब शुरू करते हैं एस्ट्रो फटाफट। मेष राशि वाले आज ग्रहण से रहे सावधान। मीन वालों को उठाना पड़ेगा भारी खर्च का बोझ। मिथुन वालों के अजनबी लोगों से सावधान रहना होगा। सिंह राशि वालों को आज विवादों से रहना होगा दूर। इधर उधर करने वाले आज उनको राहु से होगी परेशानी। मकर वालों को आज काम की अधिकता कर रही है परेशान। कुंभ वालों के निजी जीवन में संबंधों से रहना होगा सावधान। वृषभ राशि वालों को आज रहना होगा यात्रा के दौरान सावधान। आज का दिन मेष वालों को उल्टी सोच से कर सकता है गिरफ्तार। शनि के दशा वालों को आज इधर उधर बिल्कुल भी ना जाएं, सावधान रहें,
ग्रहण से हो सकते हैं परेशान। चर्चा अब एस्ट्रो राजनीति की। एस्ट्रो राजनीति में आज चर्चा उस दिग्गज की जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर 1980 से आरंभ किया। जी हां, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के तीसरे और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में। भूपेश बघेल खास तौर पर बृहस्पति के आधार पर आते हैं क्योंकि धनुराशि इनकी बनती है। भ अक्षर धनुराशि का प्रतिनिधित्व करती है। बृहस्पति एक ज्ञानी ग्रह है जिसे ग्रहों का गुरु माना जाता है, जिसे देवताओं का भी गुरु माना गया है शास्त्रों के अनुसार। अब बृहस्पति प्रधान हो गए भाई भूपेश बघेल जी। आगे बढ़ते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इनके चेहरे से भी बृहस्पति, सूर्य और मंगल का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। दिखता है कि भूपेश बघेल किस तरह से राजनीति में अपना कद उठाते जा रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान को इन पर पूरा भरोसा है। भरोसा हो भी क्यों ना, बृहस्पति अभी मीन राशि में जो चल रहा है, बृहस्पति का प्रभाव मीन राशि में बड़ा दबंगई वाला है। बृहस्पति अपने घर में है, चर राशि में है, स्थिरता का भाव है इनके अंदर, मतलब दोनों का गजब का संतुलन दिखता है और वो इनके व्यक्तित्व पे साफ साफ पता चलता है। खास तौर पर विवादों से दूर, लेकिन ईगो जबरदस्त भरता है बृहस्पति। आने वाले समय की चर्चा करें तो थोड़ा बहुत इन पर आलाकमान भरोसा और जताएगा। आगामी भविष्य में जो चुनाव छत्तीसगढ़ में होने वाला हो, इनके कंधों पर हो सकता है कि इनके नाम की घोषणा के साथ, बृहस्पति मुखर ग्रह है तो नाम की घोषणा हो सकती है कि हाँ भावी मुख्यमंत्री यही रहेंगे और उस दम पर इनके चेहरे पर इलेक्शन चुनाव लड़ा जाए। प्रभाव सकारात्मक दिखाता है। बृहस्पति के साथ साथ शनि भी सपोर्ट में रहेगा क्योंकि तब तक कुंभ राशि में उसका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आज के एस्ट्रो न्यूज में बस इतना ही, लेकिन कल क्या कुछ करने वाला हूं आपके साथ, एस्ट्रो न्यूज में कौन सा मिथ आपके समक्ष टूटेगा, यहीं पर एस्ट्रो न्यूज में कौन से राजनीतिक दिग्गज के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, किस राजनीति के सितारे के बारे में हम बताएंगे और चंद्रमा भरणी नक्षत्र से निकलकर कहां जाएगा और उसका प्रभाव आपके जीवन पर कितना पड़ेगा, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। लेकिन चंद्रमा के ग्रहण का पूरा सबसे बड़ा कवरेज आप एबीपी न्यूज पर देखते रहिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।